सर, आपको विराजमान होते हुए हमें बड़े प्रसन्न होते हैं। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहते हैं कि कल ही ये मुद्दा सदन में आने वाले थे, हम तैयार होके बैठे भी थे, यहाँ लिस्टेड भी हुई थी सर, लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, कल मैं आसन पे नहीं था इसलिए नहीं सर, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कल सदन को ठप कराया गया। ये हमारी संसदीय परंपरा में ऐसा नहीं देखा कि ये संसद ठप कराते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी खुद, और दूसरी देखा कि हमारे गृहमंत्री नदारद रहे सदन से और स्टेट मिनिस्टर हो वो भी नदारद रही, तो बाद में पता चले कि अंदर की बात क्या है। अंदर की बात यह है कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरह फेंक के चले गए। सर, आज जब सदन में आए, विषय पे बोले सर, विषय में क्या अमित शाह जी बोल रहे थे सर, आज जब सदन में आए तो अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अचरज लगे। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। आप अगर नेहरू जी को सहारा बराबर लेते रहते तो आज हिंदुस्तान में ये मणिपुर हरियाणा हमें देखने को नहीं होते। ये आप मान के चलिए, ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। एक दिन मैंने सर, एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा, एक दिन मैंने अपने रूह से पूछा ये दिल्ली क्या है। जब जवाब में ये बताए गए मानो आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है, तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं।